हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशी। दोस्तों, जब एंगेजमेंट ब्रेकअप हो जाए तो उसे कैसे हैंडल किया जाए? कई लोग एंगेजमेंट ब्रेकअप की वजह से उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उससे बाहर उभर नहीं पाते। एंगेजमेंट ब्रेकअप से कैसे उभरे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एंगेजमेंट ब्रेकअप की वजहें हजारों हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं, मगर हकीकत सिर्फ एक है कि जो रिश्ता जीवन भर के लिए तय किया गया था वो चंद सांसें जीकर खत्म हो गया। इस हकीकत से दूर भागने की बजाय हालात का सामना करें, कोशिश करें अतीत की परछाइयों से बाहर आने की, क्योंकि दोस्तों, कोशिशें ही तो कामयाब होती हैं। जरूरत है सिर्फ सकारात्मक सोच की। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सवाल यह है कि एंगेजमेंट ब्रेकअप से कैसे उभरें, अतीत की परछाइयों से कैसे बाहर आएं? जरूरत है सकारात्मक सोच की। दोस्तों, काश मैंने यह किया होता, काश उस बात के लिए हां कह दिया होता तो सगाई नहीं टूटती। इस काश के चक्रव्यूह से बाहर आए, क्योंकि उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर शादी बराबरी का रिश्ता होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, आप पूरी जिंदगी जी हुजूरी करके तो नहीं बिता सकते। कभी ना कभी किसी बात पे तो मंगेतर से आपकी राय जुदा हो सकती है, और फिर अगर आपका मंगेतर ऐसा ही हठधर्मी, अहंकारी, डोमिनेटिंग इंसान है जो आपके जायज विरोध को विद्रोह का नाम देता है, आपके जज्बात और परिवार की इज्जत का ख्याल किए बिना रिश्ता तोड़ता है, तो क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि आप उम्र भर की गुलामी से बच गए? दोस्तों, आप ऐसा सोचिए कि ईश्वर ने आपके परिवार और आपके द्वारा किए गए गलत चुनाव के दूरगामी दुष्परिणामों से आपको बचा लिया है। आप ईश्वर के, खुदा के, झूलेलाल के, गॉड के शुक्रगुजार रहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एंगेजमेंट ब्रेकअप से कैसे उभरे, ये सवाल हमसे कई बार पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, एंगेजमेंट ब्रेकअप की वजहें हजारों हो सकती हैं, मगर हकीकत सिर्फ एक है कि जो रिश्ता जीवन भर के लिए तय किया गया था वो चंद सांसें जीकर खत्म हो गया। इस हकीकत से दूर भागने की बजाय हालात का सामना करें, कोशिश करें अतीत की परछाइयों से बाहर आने की, क्योंकि कोशिशें ही तो कामयाब होती हैं। दोस्तों, एंगेजमेंट से ताल्लुक रखने वाले खत, तस्वीरें अपने पास बिल्कुल न रखें, क्योंकि हर लफ्ज महकता है गुलाबों की तरह, हर लफ्ज महकता है गुलाबों की तरह, एक ही खत था जिसे पढ़ा किताबों की तरह। मोहब्बत की स्याही में डुबोकर लिखे खतों को वाकई किताबों की तरह ही पढ़ा जाता है, लेकिन अब आपको इस संगदिल की यादों के साए से खुद को आजाद करना है। उन खतों को जला दीजिए, क्योंकि जो बीत गया है उसे गुजर जाने दीजिए, जो दूर है उसे दिल से उतर जाने दीजिए। हर लफ्ज महकता है गुलाबों की तरह, हर लफ्ज महकता है गुलाबों की तरह, एक ही खत था जिसे पढ़ा किताबों की तरह। दोस्तों, एंगेजमेंट से ताल्लुक रखने वाले खत और तस्वीरें अपने पास बिल्कुल न रखें। बातें बहुत सारी करनी है, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मंगेतर की तस्वीर हाथ में लिए टकटकी बांधे रहेंगे तो वाकई अतीत को भूलना दुश्वार हो जाएगा। तस्वीर, खत परे हटाइए, अपने आप को नए हालात में ढालने की कोशिश कीजिए। कुछ वक्त गुजरने पे आपको महसूस होगा कि वो शख्स जिसके नाम पे आप अपनी शख्सियत को आंसुओं में डुबोने चले थे, वो आपकी जिंदगी
था ही नहीं, जिंदगी का मात्र एक पन्ना था, जस्ट अ पेज जिसे वक्त ने पलट दिया है। सौ सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पे, मुझको न ऐसे प्यार से देखा करे कोई। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, ब्रेकअप को चर्चा का मुद्दा बिल्कुल न बनाए। रात भर जागती आंखों को बधाई देगा चांद निकला तो खिड़की से दिखाई देगा, ये मोहब्बत है सोच समझ कर रोना, ये मोहब्बत है सोच समझ कर रोना, एक आंसू भी जो टूटा तो सुनाई देगा। अपनी मोहब्बत टूटे दिल की किरचों को जितनी खामोशी से बटोर कर डस्टबिन में डालकर चैप्टर क्लोज कर देंगे, उतने आपके चर्चे कम होंगे। वैसे भी ऐसी घटनाओं के चर्चे जितने कम हों उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लड़की की टूटी सगाई की बात को कुछ लड़के आसानी से हजम नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, ब्रेकअप को चर्चा का मुद्दा बिल्कुल न बनाएं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ब्रेकअप को चर्चा का मुद्दा बिल्कुल न बनाएं। सहेली, रिश्तेदारों और अपनों के कंधे पे सर रख आंसू न बहाएं। सहानुभूति के नाम पे, हमदर्दी के नाम पे आप दुश्वारियां और अफवाहें मोल ले बैठेंगे, और वैसे भी दूसरे के दर्द का एहसास होता है किसे, हंस दिया करते हैं गुल शबनम को रोता देखकर। दूसरे के दर्द का एहसास होता है किसे, हंस दिया करते हैं गुल शबनम को रोता देखकर। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब एंगेजमेंट टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो जो हुआ उसे भूल जाए। आंसू उमड़ कर आएंगे बरसात आएगी, आंसू उमड़ कर आएंगे बरसात आएगी, जब लब पे तेरा नाम तेरी बात आएगी। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपके माता पिता ने जिसे चुना, आपने उस शख्स को कबूल कर लिया और सगाई के बाद ही मोहब्बत की जयमाल पहनाकर वर लिया था। रस्में कस्में तो बस सामाजिक तौर पे ही पूरे करने बाकी थे, लेकिन अब इसे किस्मत का खेल समझिए या बात और व्यवहार में हुई कोई चूक जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, या फिर वजह यह भी हो सकती है कि जिनके आप मुंतजर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद, जिनके आप मुंतजर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब इसे किस्मत का खेल समझिए या बात और व्यवहार में हुई कोई चूक जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, आपका एंगेजमेंट टूट गया, या फिर वजह यह भी हो सकती है कि जिनके आप मुंतजर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद, जिनके आप मुंतजर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद। पर दोस्तों, अब दिल ही दिल में कबूल किए शख्स को अपने लिए अजनबी बना लेना ही आपके लिए सही विकल्प होगा। जहां तक आंखों से उमड़ने वाली बरसात का सवाल है, तो आपके नयन जो आंसू लिए हैं उन्हें अपनी राहों के दिए बना लीजिए, उन्हें अपनी राहों के दिए बना लीजिए और रोशन कीजिए अपने आने वाले भविष्य को। आपके नयन जो आंसू लिए हैं उन्हें अपनी राहों के दिए बना लीजिए और रोशन कीजिए अपने आने वाले भविष्य को। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब एंगेजमेंट ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, तो नई राहें तलाशें। अजनबी पेड़ के सायों में मोहब्बत बहुत है, अजनबी पेड़ के सायों में मोहब्बत बहुत है, घर से निकलो तो जिंदगी खूबसूरत बहुत है। अजनबी पेड़ के सायों में मोहब्बत बहुत है, घर से निकलो तो जिंदगी
खूबसूरत बहुत है। दोस्तों, सगाई टूटना घर की चार दीवारी में बैठकर घुलते रहने की न तो कोई वजह है, न ही जरूरत और न इस समस्या का हल। जब आपने कोई अपराध किया ही नहीं है तो अपनी किस्मत में कारावास क्यों लिख रहे हैं। दोस्तों, घर से बाहर निकलें, इससे जहां आपका मन बहलेगा वहीं चार लोगों से मिलकर आपको ये भी पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं, जिनकी आंखों से उनके सपने जुदा हो गए हैं। आपको नजर आएगा कि लाख आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक दुश्वारियों के बावजूद लोग जीने की जद्दोजहद में लगे हैं, हारे नहीं हैं। दोस्तों, याद रखें, अजनबी पेड़ के सायों में मोहब्बत बहुत है, घर से निकलो तो जिंदगी खूबसूरत बहुत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर एंगेजमेंट टूट जाए तो हिम्मत बिल्कुल ना हारें और अपने करियर पे ध्यान दें। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। दोस्तों, ऐसे मौका परस्तों को अपने सहन में रास्ते हरगिज न बनाने दीजिए। आने वाले भविष्य की आशंका से ग्रस्त कि अब मेरी शादी कैसे होगी, या मां बाप का भय कि कौन अच्छा लड़का अब इसका हाथ थामेगा, इस बात से परेशान होकर जल्दबाजी में गलत वर का चॉइस न करें। बल्कि अगर रिश्तेदारों द्वारा ऐसा कोई प्रपोजल लाया जाए तो उसे विनम्रता से, पोलाइटली मगर दृढ़ता से नकार दें। क्योंकि दोस्तों, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। ये रास्ते हरगिज न बनाने दें और अपने करियर पे ध्यान दें। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दूसरे के दर्द का एहसास होता है किसे, दूसरे के दर्द का एहसास होता है किसे, हंस दिया करते हैं गुल शबनम को रोता देखकर। दोस्तों, अपनी आशंका और डर को दूसरों के सामने प्रदर्शित न करें, किसी को दीवार गिरने का पता ही नहीं चलेगा। आपकी बेनूरी, आपकी उदासी और आपका टूटा हुआ व्यक्तित्व आपके माता पिता की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगर आप अपने आप को मजबूत रखेंगे, अपने आप को निश्चयी रखेंगे तो उनके लिए भी सांस लेना आसान हो जाएगा। और एक बात जहन में हमेशा याद रखिए, दूसरे के दर्द का एहसास होता है किसे, दूसरे के दर्द का एहसास होता है किसे, हंस दिया करते हैं गुल शबनम को रोता देखकर। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रात भर जागती आंखों को बधाई देगा चांद निकला तो खिड़की से दिखाई देगा। रात भर जागती आंखों को बधाई देगा चांद निकला तो खिड़की से दिखाई देगा। ये मोहब्बत है सोच समझ कर रोना, ये मोहब्बत है सोच समझ कर रोना, एक आंसू भी जो टूटा तो सुनाई देगा। कुछ वक्त के लिए शादी का मसला एक तरफ रखते और अपने अधूरे करियर, पढ़ाई या हॉबीज पे ध्यान केंद्रित करें और खुश रहें। रहा सवाल पलकों में चुभने वाली टूटी किरचों का, उन जख्मों के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। और जैसे मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट।
शुभ रात्रि, शब्बा खैर।